नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बाल महाभारत कथा भाग 11 पांडवों की रक्षा पर प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न, वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा में इस तरह सिखाया कि दूसरे लोग समझ ना सके। प्रश्न, वारणावत पहुंचकर युधिष्ठिर कहां ठहरे? उत्तर, पांडवों के वारणावत पहुंचने से पहले ही पुरोचन ने उनके ठहरने का प्रबंध एक घर में कर दिया था। लाख का भवन तैयार होने पर पुरोचन पांडवों को वहां ले गया। प्रश्न, लाख के भवन में पहुंचकर पांडवों ने क्या किया? उत्तर, लाख के भवन में पहुंचकर युधिष्ठिर ने बारीकी से भवन को देखा, पता चला पूरा भवन जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों से बना है। युधिष्ठिर ने यह बात माता कुंती व भाइयों को बताई और कहा, हमें विचलित नहीं होना है, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि शत्रु को संदेह हो। प्रश्न, दुर्योधन की साजिश से पांडवों को बचाने के लिए विदुर ने क्या किया? उत्तर, सबसे पहले विदुर ने लाख के भवन की जानकारी दी, बाद में एक कुशल कारीगर को भेजकर गुप्त रूप से भवन से जंगल तक के लिए एक सुरंग बनवा दी। पांडवों के भवन के बाहर ही पुरोचन रहता था। एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, उचित अवसर देखकर पांडवों ने भवन में आग लगा दी और स्वयं सभी लोग सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गए। इस आग में स्वयं पुरोचन व उसका घर भी भस्म हो गया। प्रश्न, विदुर ने पितामह भीष्म से क्या कहा? उत्तर, पांडवों की मृत्यु की खबर सुनकर हस्तिनापुरवासी शोक में डूब गए। पितामह भीष्म भी बहुत दुखी थे। विदुर ने उन्हें धीरज बंधाया व पांडवों के बचाव के लिए किए गए प्रबंध का हाल बताकर चिंता मुक्त कराया। प्रश्न, सुरंग से बाहर आकर पांडव कहां गए? उत्तर, सुरंग से बाहर निकले तो वहां जंगल था। जंगल पार करने पर माता कुंती थक गई थी। भीम ने माता को कंधे पर बिठाया व भाइयों को सहारा देकर जंगल से नदी किनारे तक पहुंच गए। वहां एक नाव थी। युधिष्ठिर ने केवट से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। सब लोग अगले दिन शाम तक चलते रहे। सभी प्यास व थकान से चूर थे। भीम ने कहीं से पानी लाकर सबको पिलाया, फिर चलने लगे और जंगल का रास्ता पार किया। ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगर में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। प्रश्न, एक चक्रा नगरी में पांडव भोजन की व्यवस्था कैसे करते थे? उत्तर, एक चक्रा नगरी में पांचों पांडव भीख मांगकर लाते थे। भीख का एक बड़ा हिस्सा भीम को देते थे, बाकी में चारों भाई व माता खाते थे। प्रश्न, पांडवों को आश्रय देने वाला ब्राह्मण परिवार दुखी क्यों था? उत्तर, ब्राह्मण परिवार के घर से एक दिन बिलक बिलक कर रोने की आवाज आई।
माता कुंती ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप मुझे अपने दुख का कारण बताएं। ब्राह्मण ने कहा, नगर के पास गुफा में बक नाम का अत्याचारी राक्षस रहता है। वह बारी बारी एक आदमी और खाने की वस्तुएं हर सप्ताह लेता है। इस सप्ताह आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। प्रश्न, ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती ने क्या कहा? उत्तर, कुंती ने भीमसेन से सलाह की। ब्राह्मण से कहा, मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने बहुत मना किया। युधिष्ठिर ने भी ऐतराज जताया। कुंती ने कहा, मुझे भीम की बुद्धि और बल पर पूरा विश्वास है और यह मानव धर्म भी है। प्रश्न, भीमसेन ने राक्षस बकासुर के साथ क्या किया? उत्तर, नगरवासी खाने पीने की सारी चीजें गाड़ी में रखकर ले आए। भीम गाड़ी के ऊपर बैठ गया। राक्षस भूख से तड़प रहा था। भीम को आराम से खाते हुए देखकर वह गुस्से से भर गया और भीमसेन पर झपटा। फिर दोनों में भयानक मुठभेड़ हुई। भीम ने उसे गिरा दिया व रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। भीम ने उसकी लाश को नगर के फाटक पर ले जाकर पटक दिया। बाल महाभारत कथा भाग 11 के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग है द्रौपदी स्वयंवर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।